हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरा आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, अभी तो मैं फ़िलहाल दवाई खा रही हूँ। अभी आप लोग को बताऊँगी कि किस चीज़ की दवाई है ये। तो गाइस, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस चीज़ की दवाई खा रही हूँ। तो गाइस क्या बताऊँ, ये बीमारियाँ और ये दवाइयाँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। जैसे एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी मेरे पीछे पड़ जाती है। पता नहीं बीमारियों का भी क्या पंगा है, मतलब बीमारी भी ऐसी हो रही ना, वो कह रही कि चलो अंजलि पे ट्राई करते हैं। सच में कह रही हूँ मैं, पता नहीं, मतलब एक चीज़ सही होती है दूसरी लग जाती है। तो गाइस आप देख रहे हो मेरे दोनों साइड ये सूजन आ रखे पूरी यहाँ तक। सोच रही थी पतली होती हूँ, बीमारी में ऐसे लग रही कि वो और मोटा मोटा कुछ न कुछ ऐसे हो रहा है कि और मोटी हो रही हूँ। पूरी सूजन आ रखी है पूरा मुंह के, कल तक इतना सा था आज इतना हो गया। यहाँ पे यहाँ देख सकते हो पूरी सूजन आ रखी है। और मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जैसे मायके में 20 साल से पहले जैसे मतलब किसी को नहीं हो हमारे घर में, जबकि मतलब अब जैसे हो गया है ना, तो बस मतलब अब पता लग रहा है कि हाँ ये तो सबको हो रहा है, तो सबको हो रहा है, तो सबको हो रहा है। लेकिन जब मेरे को नहीं होता तो उस टाइम पता भी नहीं था कि ये भी होता है, इसमें भी ऐसा कुछ होता है। तो जब डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने कहा बच्चों में ज़्यादा होता है और मतलब बड़ों में कम होता है, लेकिन अब तो बस सभी को होने लग गया ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो मेरे को ना इसके बारे में पता, ना इसका नाम होता क्या है, क्यों होता है। तो अब भैया अभी भी मैं आपको बताऊंगी, तो अगर कुछ गलत बोल दूं कि नहीं इस वजह से होता है या फिर इसमें ऐसा करना चाहिए, तो भाई हो सकता है अगर आप ये मत बोलना कि नहीं ये नहीं है। अगर जो आपको पता हो आपको पता होगा, मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जो पता है, जितना मैंने झेल रही हूँ इसको, उतना आपको बता देती हूँ। तो गाइस ये मेरे को हुआ था 3-4 दिन हो गए, और जब जिस दिन हुआ था उस दिन हल्का सा इस कांस में हल्का सा दर्द हुआ था। मैं रात का खाना खाया था, मैंने इनको कहा मेरे को हल्का सा दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया था। मेरे को लगा ऐसे कि पता, एक साइड ऐसे लेटने से थोड़ा कान कून दब गया होगा, इसलिए यहाँ पीछे दर्द हो रहा होगा, तो फिर मैंने इग्नोर करा। फिर अगले दिन सुबह से रात भर हुआ थोड़ा बहुत, मेरे को लगा सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह ठीक होने की जगह वो और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने इनको बोला कि क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब एकदम से भी डॉक्टर पे क्या जाना था, जब कभी पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता। तो मैंने उस दिन डॉक्टर पे नहीं गई, तो वो यहाँ भी हो गया। फिर दिन से अग मतलब जिस दिन रात को हुआ था उस दिन अगले दिन सुबह यहाँ हो गया था ज़्यादा, फिर दिन से यहाँ भी होने लग गया था। तो उस दिन फिर रात को बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर पे गए, तो डॉक्टर ने मेरे को 1 दिन की दवाई दे दी, फ़र्क पड़ जाएगा। पर फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 1-3 मात्राएं थी, एक सुबह खाई, एक दिन में खाई, एक रात में खाई दवाई। उस दिन रात को मतलब सुबह के 4 बजे से मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, क्या करूँ, भयंकर दर्द मच गया इस साइड भी और इस साइड भी। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो फिर हम जल्दी से डॉक्टर पे गए। तो डॉक्टर आते हैं 9 बजे, तो हम 9 बजे डॉक्टर पे गए। तो मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर दवाई का असर जैसे ख़त्म हो, तो बहुत भयंकर दवाई मतलब दर्द हो गया था। तो डॉक्टर ने बुखार वगैरह चेक करा, तो मेरे को 103 बुखार चढ़ा हुआ था। अब बदन इतना भयंकर टूट रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मैं उठ भी नहीं पा रही, इतना भयंकर दर्द हो रहा था। जब मैं जैसे लेट रखी थी उठ रही थी, तो बस ऐसा लग रहा था पूरा चारों तरफ घूम रहा है कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था
पकड़ पकड़ के चलना, इतना भयंकर हालत हो गई थी। बुखार, बदन दर्द, और सबसे भयंकर हो रहा था कमर दर्द, इतना भयंकर हो रहा था कमर में दर्द। मतलब यहाँ तो हो ही रहा था दर्द, लेकिन कमर दर्द इतनी भयंकर कमर दर्द, और इतनी बता नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने इनको बोला कि डॉक्टर ने फिर दवाई दी, इन्होंने कहा डॉक्टर से अच्छे से बता के जो जो प्रॉब्लम हो रही है, तब तो डॉक्टर ने दवाई दी। तो डॉक्टर ने उसमें बुखार की भी और बदन दर्द वगैरह जितनी भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी उसकी दवाई दी। तो उससे मतलब बुखार भी सही हो गया, बदन दर्द वगैरह सब ठीक हो गया। तो मेरी एक फ्रेंड है ज्योति, तो ज्योति ने मेरे को बोला कि वहाँ भी आसपास बच्चों को हो रहा है, बल तो डॉक्टर ने तो नहीं लगाई थी पट्टी, मतलब जो लगा रखा बैंडेज, तो ये मेरे को ज्योति ने कहा था कि हमारे आसपास भी बच्चों को हो रहा है, इसको लगा ले तो इससे क्या होता है, वाली जो दर्द होता है ना यहाँ, इसको सोख लेता है कि। तो मतलब थोड़ा तो फ़र्क है, लेकिन उतना खास फ़र्क नहीं है, मतलब दवाइयों से ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लेकिन ज्योति ने बोला तो मैंने लगा दिया है, तो थोड़ा तो फ़र्क है ही। मतलब फ़र्क तो, मतलब दर्द में तो फ़र्क नहीं, लेकिन जैसे ऐसे हम गर्दन इधर उधर मोड़ रहे तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा, मतलब थोड़ा इससे थोड़ा वो मिल रहा सपोर्ट, तो इससे थोड़ा फ़र्क है। और अब पहले से रिकवर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से इतनी बातें कर पा रही हूँ। नहीं तो जिस दिन तो मेरे को बुखार था उस दिन तो मैं बोलने की हालत में भी नहीं थी, ना मेरे से बात हो पा रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बस ये है कि पानी साथ में, बार बार गला सूख रहा है। और गला सूख रहा है, और मैं बताती हूँ, इसमें बुखार आता है, कमर दर्द होती है, बदन दर्द, सर दर्द, और एक और मैंने मतलब सुना है कि इसमें भूख भी नहीं लगती। और पहले मैं इसका नाम तो बताती हूँ, इसे बोलते कि हमारे यहाँ तो मैंने अभी सुना हप्पू बोलते हैं, हप्पू। तो और डॉक्टर कह रहे थे इसको कनफेड और मम्स करके कुछ कह रहे थे, वो कहते हैं, और इसको गलसुआ भी कहते हैं। मतलब वही है ना, इसके बारे में पहले तो कुछ नहीं पता था, अब इतने नाम पता चल गए। और अभी भी अगर मतलब जैसे ज्योति कुछ और कह रही थी, मतलब सबके यहाँ इसको अलग अलग उससे कहते हैं, कोई से कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई। लेकिन जब अभी धीरे धीरे जैसे ताई जी लोगों से बात हो रही है मायके में दर्द, तो कह रहे हैं इसको हप्पू कहते हैं, यहाँ आस पास लोग इसे कनफेड, गलसुआ, मम्स, पता नहीं क्या 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 नाम से कह रहे। तो आपके यहाँ जो भी कहते होंगे, तो इसमें होता क्या है कि इसमें दोनों तरफ ऐसे कांट से गोले गोले से बन जाते हैं यहाँ, और यहाँ पहले पहले यहीं, अब ये यहाँ पे और यहाँ पे तो अभी भी है, लेकिन मेरा धीरे धीरे यहाँ पूरा फैल गया। और जो हमारी लार ग्रंथि होती है ना, ये वाले जो मतलब जब हम खाते हैं निगलते हैं तो यहाँ पूरी सूजन आ जाती है, यहाँ पूरी। तो जो हम खाते हैं ना निगलते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है इसमें, तो बहुत दर्द हो रहा मेरे को। तो थूक, अब तो थोड़ा 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 सा फर्क है, नहीं तो मेरे से घूटा भी नहीं जा रहा था, पानी तक नहीं पिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं यहाँ कितना दर्द मच रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा पहले से ठीक है। और आप लोग भी भगवान से विश करो कि भाई जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और आप लोग के साथ मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ, व्लॉग लाऊँ। क्या करूँ, बीमारियाँ पीछे ही नहीं छोड़ रही हैं यार। अभी अभी पहले मेरे को खांसी, फिर कुछ कि फिर कुछ। आप लोग के साथ तो शेयर करती रहती मैं, आप लोग को तो पता ही होगा। अब किसी को पता क्यों ना, अगर थोड़ा सा बीमारी लगता है लोग पहले बोलने लग जाते हैं, तेरे तो तबीयत ही खराब रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या बोलूँ, मुझे चेहरे पे स्माइल दिख रही है ना, अंदर से बहुत दुखी हूँ यार इन बीमारियों से। बीमारियां भी ना कसम से बोलती हैं कि अंजलि पे ही ट्राई करनी है, जाती नहीं है। क्या बोलूँ, पर खैर कोई नहीं, जब तक झेल सकते हैं झेलेंगे, जब तक देखते हैं कब जाएगी वाली बीमारी। खैर जल्दी से ठीक हो जाए बस, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले की बात है यार, बहुत दर्द होता है, सहन भी नहीं होता, फिर भी सहन करती हूँ। तो गाइस आजकल आप लोग के साथ व्लॉग भी नहीं ला पाई मैं, और जो व्लॉग मैं डाल रही हूँ ना डेली, ये ना पहले के एडिट करे मैं, और कुछ मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन वो ये ना फिर बोला नहीं जाता, कंटिन्यू बोलना कैसे है, तब तक तो गला सूख जाता है। मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने मतलब
सब में वॉइस ओवर करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर ऐसे व्लॉग नहीं बनाती कि मतलब उसी सीधा बोलो पोस्ट करो एडिट करो, ऐसे नहीं है बहुत। तभी फिर पहले बना के रखो, फिर उसमें वॉइस ओवर करो, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा बोलना है उसमें गला सूख जा रहा है। और फिर बस गाइस ऐसे अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोगों को मेरी ये जो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ अच्छी लगती होंगी, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर दें। और मेरे ना ये भी 4,000 सब्सक्राइबर भी हुए थे, आप लोग को पता ही है जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा था थोड़ा यूट्यूब का सेलिब्रेशन करेंगे, 4K का सेलिब्रेशन भी, क्या पर एक छोटा सा केक तो कट कर ही सकते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। लेकिन पर क्या करें, थोड़ा सा जैसे मैं कुछ सोचती हूँ कि हाँ यार थोड़ा कुछ करूँगी, तब तक कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं क्या करूँ यार, जिस टाइम आप लोग को बता दूँ मैं, जिस टाइम ना हाँ जिस टाइम मेरे 3K हुए थे, उस टाइम मेरा ना ऑपरेशन हुआ था पित्त की थैली का, मैंने आप लोग को बताया था गॉल ब्लैडर का मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम। तो मैंने उसके बाद सोचा था कि केक कट करेंगे, लेकिन उस टाइम भी पता नहीं हालत ऐसी ख़राब थी, मतलब ऑपरेशन के बाद हुआ था शायद मेरा 3K, मतलब उसी के आसपास हुआ था। तो मेरे सबने कहा था कि 3K का सेलिब्रेशन करेंगे, पर कसम से ना आप लोग भी कहते होंगे कि मतलब इसने 100K 1000 हुए, फिर 2000 हुए, 3 हो गए, 4 हो गए, पर क्या करूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ। लेकिन अब सोच रही हूँ, आप लोग को पता होगा मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो पहले से सोच के रखूँ ना मैं, तो कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं उस दिन क्या होता है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो अब देखते हैं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोग के साथ 4K एक छोटा सा केक कट करूँ आप लोग के साथ। तो गाइज आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इसकी परहेज भी बता देती हूँ, अगर ये किसी को हो जाए तो, जैसे मतलब अगर बगल पे कोई इंसान बैठा हुआ है तो अगर छींक आती है या फिर हम उससे बातचीत करते थोड़ी सी, मतलब फेस टू फेस ऐसे कि मतलब उन पर जैसे हम बात करते तो थूके छींटे नहीं जाने चाहिए, वैसे तो नॉर्मल बात में भी नहीं जाना चाहिए अगर कोई हम स्वस्थ भी हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि फैलता है जैसे थूक के जरिए, एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पी सकते इसमें, और खांसना छींकना रुमाल लगा के, मतलब इसमें बहुत थोड़ा बोलते हैं कि फैल जाता है ऐसे में। तो ये तो हमारे अच्छी आदतों में भी आता है कि भाई अगर हम कभी छींक रहे हैं खांस रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो अपने मुंह पे रुमाल रखें, चाहे हम स्वस्थ भी हैं, लेकिन जितनी हम सावधानियां बरतेंगे उतनी हमें आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।